हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान में सिंचाई का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो सिंचाई के साधन हैं वो नहरें हैं, कुएं, नलकूप और तालाब। तो इनमें सबसे अधिक कुएं और नलकूपों द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। उसके बाद नहरों का स्थान आता है और सबसे अंत में है तालाब। तालाब का जो योगदान है सिंचाई में वो बहुत ही कम है, 0.6% है, जो कि बहुत कम है और नगण्य है। तो पिछले वीडियो में हमने कुओं के द्वारा सिंचाई का अध्ययन किया था, आज हम नलकूप के द्वारा सिंचाई का अध्ययन करते हैं। देखो, नलकूप में क्या होता है, एक जो पृथ्वी है उसमें छेद किया जाता है और पंप के द्वारा पानी को धरातल पे लाया जाता है। तो नलकूप देखो कहाँ खोदे जाते हैं। नलकूप वही खोदे जाएंगे जहाँ जो भूमिगत जल है वो 150 मीटर से अधिक गहरा ना हो, यानी इससे अधिक गहराई पे नलकूप नहीं खोदे जा सकते। दूसरा, जो भूमिगत जल है वो पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि भूमिगत जल कम हो और हम नलकूप वहां बना लें, तो इससे हमें लाभ नहीं होगा बल्कि हमारा जो जो खर्च किया हुआ वो व्यर्थ ही चला जाएगा। उसके बाद देखो, सिंचाई की जो मांग है औसत रूप से एक वर्ष में 3,200 घंटे होनी चाहिए और इसी के साथ जो सस्ती विद्युत भी होनी चाहिए, क्योंकि नलकूप में क्या करते हैं, जो जल है वो मोटर के द्वारा खींचा जाता है, तो जो विद्युत का खर्च है वो भी कम होना चाहिए। और उसके बाद जो मिट्टी है, यानी जो खेत है, जो वहां की मिट्टी भी उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्यूबवेल है या नलकूप है इसको जो हम बनाते हैं तो उसका खर्चा भी निकलना चाहिए, क्योंकि अगर नलकूप बनाने में खर्च तो हमने बहुत कर दिया मगर उतनी अगर पैदावार हमारे खेत में नहीं हो रही है तो ये व्यर्थ चला जाता है, बल्कि हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता रहता है इसका। तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए नलकूप बनाते समय। जो नलकूप होते हैं देखो, 120 से 160 हेक्टेयर में उनसे सिंचाई की जाती है नलकूपों के द्वारा, और बल्कि जो कुएं हैं कुओं के द्वारा 6 से 8 हेक्टेयर में ही भूमि पर ही सिंचाई हो पाती है। और नलकूप है देखो, 1949 से 1956 तक जो नलकूप थे उनकी संख्या बहुत कम थी राजस्थान में, मात्र 12 नलकूप ही थे। 1949 से 1956 तक केवल 12 नलकूप ही थे राजस्थान में। उसके बाद देखो, 1956 के बाद जो राजस्थान सरकार ने ये काम अपने हाथ में लिया और हर वर्ष लगभग 75 नलकूप बनाए गए थे राजस्थान में। तो ये नलकूप थी, और उसके देखो इसमें एक सामुदायिक नलकूप योजना भी प्रारंभ की गई है। इसमें क्या करते हैं, 5 किसानों का ग्रुप बनाया जाता है और उनको ट्यूबवेल खोद के दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत 16 सामुदायिक नलकूप अभी तक राजस्थान में लगाए जा चुके हैं। तो नलकूप के बाद हम तालाब लेते हैं। देखो, तालाब प्राकृतिक और ये कचरे दोनों तरह के होते हैं। तालाब उन्हें कहेंगे जो जमीन में एक गर्त होता है, एक खड्डा होता है, जो जो बारिश का जो पानी आता है वो ढलान के साथ ही इस खड्डे में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो ये तालाब का रूप ले लेता है। उसके अलावा जो मानव निर्मित तालाब होते हैं उसमें एक गर्त बनाया जाता है और कई बार नदियों द्वारा भी उसमें जल भर दिया जाता है।
जो तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो बहुत ही कम होती है। तो दक्षिण या दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान के क्षेत्र है वहां पे तालाबों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी का जो क्षेत्र है वो पथरीला क्षेत्र है, नहरें वहां बनाई नहीं जा सकती, और उसके अलावा नहरें हम बना नहीं सकते, और जो वहां जो पथरीला क्षेत्र होने के कारण जो पानी है वो भी जमीन सोख नहीं पाती है, तो तालाब वहां के लिए उपयुक्त तो होते हैं। और भीलवाड़ा में सबसे अधिक तालाबों द्वारा कृषि की जाती है राजस्थान में, और वैसे तालाबों द्वारा कृषि भारत में सबसे अधिकतर दक्षिण भारत में की जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत है वो भी पथरीला क्षेत्र है, एक पठारी क्षेत्र है। तो इसके बाद हम लेते हैं नहर। देखो, नहर नलकूप के बाद सबसे अधिक जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा की जाती है। राजस्थान एक देखो शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही है। अब राजस्थान में देखो, भरतपुर, बारा, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर, बीकानेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जिलों में नहरों द्वारा सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। और नहरों में देखो, गंग नहर है, भरतपुर नहर है, गुड़गांव नहर है, तो इनके द्वारा बहुत समय पहले से ही सिंचाई के कार्य किया जा रहा है। गंग नहर जो कि 1927 में ही बनाई गई थी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, तो ये नहरों द्वारा सिंचाई है। नहरों द्वारा सिंचाई के बाद अब हम लेंगे कुछ राजस्थान में सिंचाई से संबंधित कुछ परियोजनाएं लेंगे, सिंचाई परियोजनाएं, इरिग्रेशन प्रोजेक्ट्स वो लेंगे कि राजस्थान में देखो कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है वो बनाए गए हैं सिंचाई के लिए, उनका अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें आज हम सबसे पहले चंबल नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे। चंबल नदी घाटी परियोजना, देखो चंबल नदी तो पढ़ाया था आपको, लेकिन ये चंबल नदी घाटी परियोजना है, यानी इसमें ये बांध बना के पानी को देखो इनमें रोका जाता है, और उस पानी का जो उपयोग है वो पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, और उसके अलावा पर्यटन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनको बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देश्य यानी कई सारे उद्देश्य होते हैं इनका, जैसे अभी बताया था मैंने, सिंचाई करना, पीने के लिए पानी, उसके अलावा मछली उत्पादन है, और जो पर्यटन के लिए भी इनका उपयोग होता है। तो इसमें चंबल नदी घाटी परियोजना है। अब चंबल नदी जब मैंने पढ़ाई थी आपको, उसमें आपको बताया था चंबल नदी मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जो चौरासीगढ़ है वहां से प्रवेश करती है राजस्थान में। तो लेकिन हम चंबल नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे। देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना है, यह दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, दो राज्य कौन से हैं? एक तो देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना के साथ देखो इनमें 50-50 है इनका, जो भी लागत है, लाभ है, दोनों ही इनका वो 50-50% है। और ये देखो परियोजना 1953-54 में शुरू हुई थी, और 3 चरणों में यह पूरी हुई थी। 3 चरणों में पूर्ण हुई। अब इनके चरणों को देखते हैं। देखो, पहला चरण था पहला
प्रथम चरण में इसमें दो बांध बनाए गए थे। एक तो मध्य प्रदेश में बांध बनाया गया था जिसका नाम था गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में बनाया गया था, और दूसरा बांध बनाया गया था कोटा में, राजस्थान में, जिसका नाम है कोटा बैराज। तो प्रथम चरण में दो बांध का निर्माण किया गया था, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज का। तो गांधी सागर जो बांध है, ये देखो, ये मंदसौर, ये मंदसौर में स्थित है। मंदसौर एमपी में स्थित है ये बांध, और यहीं पे गांधी सागर बांध है ये बनाया गया है। और ये रामपुरा और भानपुर दो पठारों के बीच में बनाया गया है। देखो, रामपुरा और भानपुर दो पठारों के बीच में यह बांध बनाया गया है। रामपुरा और भानपुर दो पठार है, उनके बीच में यह बांध बनाया गया है। इसकी लंबाई है 513 मीटर और ऊंचाई है 62 मीटर। गांधी सागर बांध है, लंबाई है इसकी 513 मीटर और ऊंचाई है 62 मीटर। इसकी ऊंचाई है बांध की। उसके अलावा इस पे देखो, विद्युत उत्पादन भी इसमें किया जा रहा है। इस पे 5 इकाइयां हैं विद्युत उत्पादन की, विद्युत उत्पादन पांच, देखो ये 5 इकाइयां हैं और ये 23 मेगावाट है इसकी, 115 टोटल है, 115 मेगावाट। ठीक है, तो 115 मेगावाट यहाँ विद्युत उत्पादित की जाती है गांधी सागर बांध से। और जो गांधी सागर बांध है, ये 1960 में बन गया था, 1960 में बन गया था। तो शुरुआत हुई है इसकी 1953, चौपन में इसकी शुरुआत हुई है, और 1960 में गांधी सागर बांध है ये बनकर तैयार हो गया था। और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, और रामपुरा और भानपुर दो पठार है, उनके बीच में ये बनाया गया है। 513 मीटर इसकी लंबाई है और 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके अलावा इस पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, कुल 5 इकाइयां है इस पे विद्युत उत्पादन की, और कुल 115 मेगावाट है यहाँ विद्युत का उत्पादन होता है। और उसके बाद है कोटा बैराज। देखो, कोटा बैराज में जो बांध है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर देखो, तो कोटा बैराज है, यहाँ विद्युत नहीं बनाई जाती है इसमें, विद्युत उत्पादन नहीं होता है इसमें। यहाँ विद्युत उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इससे दो नहरें निकाली गई है, दो नहरें इससे निकाली गई है, दाएं और बाएं। और जो बाई ओर की जो नहर है वो राजस्थान में सिंचाई के काम आती है, और 1.80 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है। बाई नहर
राजस्थान में सिंचाई करती है। देखो लगभग 1.80 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है। ठीक है, उसके बाद जो नाई नहर है वो राजस्थान में बहने के बाद फिर एमपी में चली जाती है। तो ये राजस्थान में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है नाई नहर। राजस्थान में 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद ये एमपी में चली जाती है, मध्य प्रदेश में चली जाती है। और इसमें देखो कोटा बैराज में 1954 में इसमें निर्माण शुरू हुआ था और इसकी जो लंबाई है बांध की 600 मीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई 36 मीटर है। लंबाई 600 मीटर और ऊंचाई 36 मीटर है कोटा बैराज बांध। ये कोटा में ही स्थित है बांध, राजस्थान के कोटा में। तो उसके बाद देखो दूसरा चरण है। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था। राणा प्रताप सागर बांध दूसरा चरण। राणा प्रताप सागर दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था। तो इस बांध का जो निर्माण है वो चित्तौड़गढ़ में जो राउत भाटा है वहां पे इसका निर्माण किया गया था। और ये राजस्थान का पहला, देखो राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा, पहला वह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत उपग्रह है। तो यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत उपग्रह है। यहाँ परमाणु की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह ये तारानगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, पहला है तारानगर महाराष्ट्र में। तो परमाणु के द्वारा यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद देखो ये राजस्थान का सबसे सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता के अनुसार। राजस्थान का भराव क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा बांध है। यानी जितने भी बांध है राजस्थान में उनमें सबसे अधिक जो जल है इसमें एकत्रित किया जा सकता है। यह देखो 113 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध है
113 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसमें देखो जल जल की जो मात्रा है इसमें 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर, 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर जल आ सकता है। ये इसकी बराबर क्षमता है 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर जल है इसमें आ सकता है। और इस बांध की जो लंबाई है 110 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। बांध की लंबाई 116 मीटर और ऊंचाई है 36 मीटर, लंबाई 110 मीटर है इसमें। उसके बाद देखो यहाँ जो विद्युत उत्पादन है, चार इकाइयां है विद्युत उत्पादन की, विद्युत उत्पादन 43 मेगावाट की चार इकाइयां है, तो यहाँ कुल उत्पादन 172 मेगावाट तो विद्युत का कुल उत्पादन है 172 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन की चार इकाइयां यहाँ लगी हुई है। और एक और चीज ध्यान रखना इसमें, इसे भोपाल विद्युत गृह भी कहते हैं, इसे भोपाल विद्युत गृह भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखना। आप भोपाल आ गए तो आप ये समझोगे ये कोई मध्य प्रदेश में, बल्कि राणा प्रताप सागर बांध है यहीं पे जो विद्युत ग्रह है, इसे ही भोपाल विद्युत ग्रह कहते हैं। इसमें देखो विद्युत का उत्पादन है 20 अप्रैल 1973 तक, 20 अप्रैल 1973 से यहाँ विद्युत का उत्पादन है वो शुरू हो गया था, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। और 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित की जाती है, 1.2 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो इसके द्वारा सिंचित होती है। और 31 करोड़ का खर्च आया था इसे बनाने में, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़ में स्थित है, और दूसरे चरण में इसका निर्माण किया गया है। भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह है ये। और इस बांध की लंबाई 110 मीटर है, ऊंचाई 36 मीटर है इसकी। विद्युत उत्पादन की चार इकाइयां है, 43 मेगावाट की चार इकाइयां यहाँ लगी हुई है, जिनसे कुल विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट होता है। फिर है अंतिम में इसका तीसरा चरण, देखो तीसरे चरण में इसके जौहर सागर बांध का निर्माण किया गया था। तीसरा चरण जवाहर सागर बांध, तो इसका निर्माण हुआ था तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का। देखो ये बोरावास कोटा में स्थित है, जवाहर सागर बांध है बोरावास कोटा में स्थित है। तो इसमें जो विद्युत क्षमता है, विद्युत तीन इकाइयां यहाँ है, विद्युत उत्पादन तीन इकाइयां है 33 मेगावाट की, तो 99 मेगावाट यहाँ विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इसे कोटा बांध भी कहते हैं, ये भी आप इसे देखो ध्यान रखना, इसे कोटा बांध भी कहते हैं।
कोटा बैराज अलग है, कोटा बांध अलग है, ठीक है। इसे कोटा बांध भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें जैसे भोपाल विद्युत ग्रह है वो ध्यान रखना है, उसी तरीके से जो कोटा बांध है ये भी ध्यान रखना है। ज्वार सागर बांध को का दूसरा नाम है कोटा बांध। कोटा बांध अलग है और कोटा बैराज अलग है। और ये जो बांध है इसकी लंबाई 335 मीटर है और ऊंचाई 25 मीटर है। तो ये इसके 3 चरण कंप्लीट हो गए हैं। उसके अलावा देखो इसमें 8 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई है, ठीक है। चंबल नदी का जो बाव क्षेत्र है उसमें 8 लिफ्ट नहरें भी बनाई गई है। इसमें से जो 8 लिफ्ट नहरें हैं इसमें से 2 लिफ्ट नहरें तो कोटा में हैं और बाकी 6 जो लिफ्ट नहरें हैं वो सारी बारा में हैं। और लिफ्ट नहरें क्यों बनाती है? जब इंदिरा गांधी नहर आपको कराया था उसे बताया था, जब ऊंचाई होती है वहां पर पानी जा नहीं पाता है तो लिफ्ट नहरें बनाई जाती है। तो मोटर के द्वारा पानी को पंप किया जाता है और पानी को ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। इसमें देखो जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा में है और दिगोद लिफ्ट स्कीम यह कोटा में है। ये 2 लिफ्ट नहरे हैं जो कि कोटा में है, बाकी 2 अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट माइनर, पंचेल लिफ्ट स्कीम, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, सौरखंड लिफ्ट स्कीम, कचारी लिफ्ट स्कीम, ये सारी बारा में स्थित है। और इस लिफ्ट योजना से कोटा और बारा जिले के 15,633 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। तो यह थी चंबल घाटी परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है। और इसका निर्माण 3 चरणों में किया गया है और 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध में से 3 बांध तो राजस्थान में है और 1 बांध मध्य प्रदेश में है। और 3 बांध से विद्युत उत्पादन होता है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। इन तीनों से विद्युत उत्पादन होता है, मगर जो कोटा बैराज है उससे विद्युत उत्पादन नहीं होता है। तो ये कंप्लीट करवा दिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।